नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अब शासनादेश नोटिस जल्द होगा जारी। यूपी ट्रिपल एससी एनम सीधे विभाग से खबर। डीजी मैडम से वार्ता, क्या क्या वार्ता हुई सब बताऊंगा और वीडियो भी आप लोग को दिखाऊंगा। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले उन एनम बहनों को धन्यवाद और जो संजय श्रीवास्तव जी हैं उनको धन्यवाद, प्रमोद तिवारी जी हैं उनको धन्यवाद। दोस्तों इसलिए बता रहे हैं कि संजय श्रीवास्तव जी, प्रमोद तिवारी जी कुछ एनम बहनों के द्वारा सुल्तानपुर की जो सांसद हैं, माननीय सांसद जो हैं मेनका गांधी जी को ज्ञापन दिया गया और तत्काल जो है बात कही गई कि मैडम से बताया गया कि मैम जो है यह 100 दिन की कार्य योजना में था भर्ती मुख्यमंत्री जी के और 300 दिन से ज़्यादा होने जा रहे हैं। मैडम ने सभी बात को सुना और उसके बाद मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ, स्किप ना करिएगा दोस्तों। उसके बाद तुरंत जो है माननीय सांसद जी जो है बात की डीजी मैम से। डीजी मैम ने कहा कि मैम आप एमडी सर से बात कर सकती हैं। एमडी सर से भी बात हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के सचिव से भी बात हुई। देखिए माननीय सांसद जी जो हैं तुरंत तत्काल बात की। उसके बाद वहाँ से ये हुआ कि डीजी मैम ने कहा कि मैम 5 तारीख को जो है 5 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना था और तय था, मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के नाते जो है यह सब नहीं हो पाया। तो वहाँ से भी आश्वासन मिल गया है दोस्तों। माननीय सांसद जी भी जो है मेनका गांधी जी एनम बहनों को आश्वासन दी कि आप लोग घबराएं ना, जल्द ही आप लोगों का नियुक्ति पत्र मिलेगा। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मैं यह बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगी। वीडियो दिखा रहा हूं, वीडियो को स्किप ना करिएगा दोस्तों, अंत तक देखिएगा। वेट कर लो अभी आप। कहां के जी बोल रहे थे? किससे बात करना है? कल भी आए थे ना सर? यस सर आए थे। मैम बोली कि किससे बात करना है तो फिर बात नहीं हो पाई थी। आप तो मुख्यमंत्री भी लेके आए थे कि मुख्यमंत्री आदेश जारी करेंगे। जी सर, हम समझ नहीं पाए थे ना उस समय सर। मैम से बात हो जाएगी फिर क्लियर से बात कर। जी और 5 साल से संविदा पे मैम आदि समझे। हम लोग को तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है, चाहे पानी चाहे बरसात हो, मैम ड्यूटी डेली करनी है। और मैम इतनी माने ड्यूटी करते हुए भी हम लोग की तैयारी की, मेहनत की, फिर भी जो मैम 100 दिन कार्यकाल में 300 दिन पूरे हो गए लेकिन अभी तक हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला नहीं। हेलो हेलो, जी आप महानिदेशक परिवार कल्याण रेणु श्रीवास्तव जी बोल रही हैं? जी माननीय सांसद मेनका गांधी जी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है
दूसरी हम भी भाषा नहीं थी कोई बात नहीं ना भाई दूसरा ही इनको निकाल दो इन लोगों ने सब कुछ हम सब कुछ हो गया आज की वजह से साथ में जाए तो पॉलिसी डिसीजन आ जाए है ना यही है ये आप लोगों ने पॉलिसी की तरफ बना के दिया है ना देखिए दोस्तों वहाँ पर जो एनम बहन लोग गई हैं वो लोग माननीय सांसद जी को ज्ञापन दे रही हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने वीडियो में सुना ही है कि सांसद जी क्या कहीं, जल्द ही नियुक्ति पत्र की बात कही गई, सचिव सर से बात हुई, मुख्यमंत्री जी के जो सचिव जी हैं, देखिए बात हो रही है दोस्तों। मैं आप लोगों को रियल ऑथेंटिक अपडेट बता रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब आप लोगों का नियुक्ति पत्र जल्द ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए इन एनम बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ दोस्तों जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोग को बताऊँगा। आज उप मुख्यमंत्री जी भदोही में हैं, वहाँ पर भी कुछ एनम बहन गई हैं, उनको भी ज्ञापन देंगी। दोस्तों यह कार्यक्रम चालू रखिए, ट्विटर पर भी जो काम हो रहा उसको भी आप लोग चालू रखिए, बंद न करिएगा। तब तक दोस्तों अपनी मुहिम को बंद ना करिएगा जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए। आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों 8:31 यानी आज की डेट का यह पिक्स है, आप लोग देख सकते हैं। इन एनम बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने यह सराहनीय कार्य किया है। आप लोग भी अपने ज़िले में सांसद विधायक जी को ज्ञापन देकर ऐसे सराहनीय कार्य करिए, जल्द ही आप लोग का नियुक्ति पत्र इसी फरवरी के जो है दोस्तों 15 फरवरी के पहले पहले ही जहां तक है नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए, अगर आप लोग ऐसे ही लगे रहें। मैडम ने जो वार्ता हुआ है मैडम जी से वो आप लोग को जो है बता ही दिया हूं। अभी जो है माननीय सांसद जी भी बात की हैं, वह भी आप लोग ने वीडियो देखा ही है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नई भर्ती जो आने वाली है उसके लिए भी तैयारी कराई जाएगी, जैसे ही यह भर्ती कम्प्लीट होगी उसके बाद अगली भर्ती के लिए जो है शासनादेश अधियाचन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से काम करते रहेंगे दोस्तों, ट्विटर से लेकर जो है जमीनी स्तर पर, तो जल्द ही आप लोगों का नियुक्ति पत्र निर्गत हो जाएगा, जल्द ही आपको मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।